जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, चीजें वैसे वैसे बहुत लाइट वेटेड और पोर्टेबल होती जा रही हैं। दोस्तों आज मेरे पास ये जो ईयरबड्स हैं, ये है Realme के क्यू ईयरबड्स। ये इतने लाइट वेट हैं कि कान में पहनने के बाद पता ही नहीं चलता कि कुछ पहना भी है। इनका जो वेट है वो 3.6 ग्राम, कैन यू बिलीव इट, 3.6 ग्राम ओनली। एक ईयरबड जो है वो 3.6 ग्राम का है, तो बहुत ज्यादा लाइट वेट ईयरबड्स हैं। दोस्तों ये ईयरबड्स लास्ट ईयर जुलाई में के आसपास रिलीज हुए थे, ये मार्केट में आए थे, और अब मैंने इनको इसलिए मंगाया है और इनको अनबॉक्स करके रिव्यू मैं आज आपको इसलिए दे रहा हूं इसका, क्योंकि इनके बारे में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये कि ये इतने ज्यादा प्रीमियम हैं, इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी है कि ये बड़े बड़े हेडफोन्स, बड़े बड़े ईयरबड्स को टक्कर दे रहे हैं। साउंड क्वालिटी बेस इसका गजब का है, लाजवाब है। लाइट वेट तो ये है ही, पर दूसरी जो नेगेटिव बात चल रही थी वो ये थी कि ये कुछ टेक्निकल इश्यू के साथ आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद राइट ईयरबड काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी चार्जिंग केस जो आता है इसके साथ वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है और मैं इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसको कुछ दिन यूज करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या अब भी इनमें वही इश्यू आ रहा है, क्योंकि ये कम दाम में बहुत प्रीमियम और बहुत ही पोर्टेबल ईयरबड आपको मिल रहे हैं। तो क्या आपको ये लेने चाहिए या फिर कंपनी ने उस इश्यू को फिक्स कर दिया है। तो वीडियो में बने रहिए, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, Realme का चिरपरिचित कलर येलो वैसा बॉक्स है इसका। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट निकलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है ईयरबड, ये बड़ा ही पोर्टेबल, बिल्कुल एग की तरह लग रहा है। इसको किनारे रख देते हैं और अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। ये है इसकी चार्जिंग केबल, जो एक माइक्रो यूएसबी केबल है, और कुछ पेपर वर्क, इन्हें भी हम साइड में रख देते हैं। और ये है कुछ यूजर मैनुअल, यहाँ पर आप वारंटी चेक कर सकते हैं और साथ में आप इन ईयरबड्स को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में पता कर सकते हैं। साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स के मिल जाते हैं जो अलग अलग साइज में हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। और दोस्तों ये है हमारा खूबसूरत और पोर्टेबल सा चार्जिंग केस। इसका भी कवर हटा लेते हैं, अनरैप कर लेते हैं इसको। दोस्तों इसमें जो ऊपर का ढक्कन है वो आपको प्योर व्हाइट कलर का मिल जाता है और नीचे का जो पोर्शन है वो आपको डल व्हाइट मिलता है। और ये देखिए कितना छोटा है, व्हाइट कलर बिल्कुल एग की तरह लग रहा है। मैं दो उंगलियों पर इसको रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पोर्टेबल चार्जिंग केस है। यहाँ सामने आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसमें किसी भी तरह का इंडिकेटर नहीं है, डिजिटल इंडिकेटर नहीं है जो आपको बैटरी का परसेंटेज वगैरह बता सके। और यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी लगाने के लिए पोर्ट मिल जाता है। दोस्तों ये चार्जिंग केस 400 mAh की बैटरी के साथ आता है और ईयरबड को आप इस केस के साथ 20 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं बिना चार्ज किए हुए। और ये हैं हमारे ईयरबड्स जो बहुत लाइट वेट हैं और इन्हें आप बिना चार्जिंग केस के लगभग 4 से 4.5 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टॉप। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है इनका और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं पहनने में। दोस्तों ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये कान में बिल्कुल फिट हो जाते हैं और गिरते नहीं हैं। पर हाँ, इन ईयरबड्स में कोई भी LED इंडिकेटर नहीं दिया गया है, ना ही साथ में इसके केस में कोई डिजिटल बैटरी इंडिकेटर दिया गया है। आपको बस एक LED लाइट दी गई है जो ये दिखाती है कि अगर वो लाल है तो बैटरी चार्ज हो रही है, और जब वो ग्रीन हो जाए तो समझ लीजिए कि बैटरी फुल्ली चार्ज्ड हो चुकी है। दोस्तों इन ईयरबड्स को कनेक्ट करना बहुत आसान है, ये ब्लूटूथ की 5.0 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। इनको बस आपको ऐसे बॉक्स से, इसके चार्जिंग केस से बाहर निकालना होगा और उसके बाद ये ऑटो ऑन हो जाएंगे। अपने डिवाइस को ऑन करिए, ये उसे डिटेक्ट कर लेंगे। अगर ये डिटेक्ट नहीं करते तो आपको क्या करना है, वैसे तो ये डिटेक्ट कर लेंगे लेकिन अगर नहीं करते तो आपको इनको वापस से डिवाइस में डालना है, इनके चार्जिंग केस में डालना है और 5 सेकंड तक इनको टच किए रहना है दोनों को एक साथ। उसके बाद ये पेयरिंग मोड में आ जाएंगे और ये जिस भी डिवाइस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए ये डिटेक्ट हो गए और बस आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है। इस तरह से देखिए 100%
चार्जिंग लेवल, बैटरी लेवल यहाँ ही दिखा रहा है आपका, और ये कनेक्ट हो गए। इसमें कोई भी बैटरी इंडिकेटर नहीं है, इसलिए आपको फोन में कनेक्ट करने के बाद ही इसका चार्जिंग लेवल देखना पड़ेगा कि बैटरी कितने परसेंट बची है। तो चलिए अब कुछ म्यूजिक ऑन करते हैं और चेक करते हैं इसका साउंड, इसका बेस की क्वालिटी क्या है। कमाल का साउंड आउटपुट है, कमाल का बेस है, कमाल का मेलोडियस इसमें जो साउंड है वो आपको सुनाई देता है। बहुत गजब का लाइट वेट ईयरबड्स है, मैंने कान में इनको पहन रखा है, साउंड तो बाहर का मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसका नॉइस कैंसिलेशन है, कॉल वगैरह रिसीव जो आप करेंगे तो आपको बाहर का बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और जब आप बोलेंगे तो जो दूसरी तरफ है उसको भी आपकी साउंड वो है क्लियर सुनाई देगी, मतलब उसमें कोई भी अगल बगल का साउंड नहीं सुनाई देगा। दूसरी बात ये कि इनका बेस बहुत दमदार है, मतलब कान को चुभता नहीं है, एक दमदार पावरफुल बेस है और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। इस माइक्रोफोन में लगा करके सुनवाता हूं कि इसका बेस कैसा है, आपको आइडिया तो लग ही जाएगा, पर यकीन मानिए अगर आप बेस के शौकीन हैं और आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं, इन्हें मंगाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पछताना नहीं पड़ेगा, कमाल का बेस आउटपुट इसमें आपको मिलता है। इसका टच जो है वो बहुत कमाल का है, ये पुश नहीं टच कंट्रोल के साथ आते हैं, अलग अलग लेफ्ट और राइट वाले में अलग अलग टच करने से आपको अलग अलग फंक्शंस ऑपरेट करने को मिलेंगे, जिन्हें आप इस ऐप की मदद से टच को अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 3 दिन हो गए हैं मैं लगातार इन ईयरबड्स को यूज कर रहा हूं, मैंने अलग अलग डिवाइसेस में इनको कनेक्ट किया और यूज किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहां तक कि मैंने अपनी Amazon Fire TV स्टिक से भी इसको कनेक्ट किया और बड़े आराम से टीवी देखी, कोई इशू नहीं आया। मैंने इनको टच करके हर तरह के कंट्रोल्स भी इसके यूज किए और साथ ही मैंने ईयरबड्स को लगा करके इस केस को चार्ज भी किया और बिना ईयरबड्स के भी इसको चार्ज करके देखा, पर कोई भी इशू नहीं आया, ये भी अच्छे से काम कर रहा है और ईयरबड्स भी अच्छे से काम कर रही है, यानी कि जो पहले इसमें इशू आता था वो कंपनी ने फिक्स कर दिया है। तो आप बिना किसी हेजिटेशन के इन्हें खरीद सकते हैं, ये बहुत प्रीमियम ईयरबड्स हैं, बहुत कम में आपको मिल जाएंगे, महंगे वाले ईयरबड्स की क्वालिटी और मजा आपको देने वाले हैं, पर केवल आपको 1800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हां, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर इनको खरीद सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मजा आया और ईयरबड्स आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।